ये उस वक्त की कहानी है जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इनकलाबियों की आवाज़ से जेल के अंदर और बाहर वंदे मातरम की गूंज थी। जेल की गाड़ी धूल का गुबार उड़ाते हुए जेल के फाटक पर आकर खड़ी होती है। कुछ महिला कैदी उसमें से बाहर आती हैं। उनकी हाजिरी लग रही होती है। निर्मला, फौजिया और फिर कल्याणी, एक खूबसूरत मासूम कमसिन सी लड़की पर्दे पर आती है। असिस्टेंट जेलर की नीयत उसे देखकर ही डोल जाती है। सिनेमा की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि बिना किसी डायलॉग के ही कल्याणी किस कदर हर मोड़ पर अकेली है, हर तरह से अकेली है, मासूमियत में अकेली, खूबसूरती में अकेली और ज़िंदगी के सहारे की भी अकेली। वैसे भी जेल के कैदियों को किसका सहारा होता है, मगर जब जेल के अंदर एक बूढ़ी महिला कैदी बीमार पड़ती है और उसे रोग भी कौन सा है, तपेदिक, जो उस वक्त की जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, तब डॉक्टर आते हैं। एक सजीला गठीला नौजवान डॉक्टर देवेंद्र। महिला जेलर से उनका आग्रह होता है कि इस बूढ़ी महिला की कोई देखभाल करने वाला हो तो ठीक रहेगा, मगर तपेदिक छूत की बीमारी मानी जाती रही है, इसलिए सभी महिला कैदी कोहराम मचा देती हैं कि उनमें से कोई नहीं जाएगा। तभी कल्याणी की आवाज़ सबका ध्यान खींचती है। मैं करूंगी इनकी सेवा। इस आवाज़ की तरफ डॉक्टर भी चौंक कर देखता है कि इस कम उम्र की लड़की को अपनी जान की परवाह भला क्यों नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि तपेदिक के मरीज के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। प्रेम की अनुभूति या प्रस्फुटन वहीं होता है जहां हम कुछ विलक्षण देखते हैं। तीमारदारी में कल्याणी की तत्परता और सजगता देखकर डॉक्टर देवेंद्र बहुत प्रभावित होते हैं और अपने मन को कल्याणी की तरफ खींचने से रोक नहीं पाते। महिला कैदियों की तंज के कारण कल्याणी डॉक्टर से किनारा करने लगती है और तभी डॉक्टर अपने प्रेम का इजहार कर बैठते हैं। जिस वक्त की ये कहानी है, जिसे मूलतः तामसी उपन्यास से लिया गया है जिसे चंद्र ने लिखा था, उस वक्त प्रेम का इजहार शादी प्रस्ताव से शुरू होकर विवाह पर खत्म होता था। जीवन संगनी बनाना ही लक्ष्य माना जाता था और डॉक्टर देवेंद्र भी उस कैदी कल्याणी से प्रेम कर बैठे थे और फिर उन्होंने अपने प्रेम के प्रस्ताव में विवाह प्रस्ताव रखा। जीवन संगनी बनने का आग्रह किया कल्याणी से, बिना यह जाने कि कल्याणी का पिछला जीवन क्या था और वो ग्रेड सी कैदी क्यों है, यानी वो हत्या के आरोप में सजा काट रही थी। किसकी हत्या की थी कल्याणी ने? हर वक्त उसका मन उस अपराध बोध से ग्रसित रहता था। जेल के बाहर उसके जीवन में कोई अपना नहीं बचा था, इसलिए उसे बाहर जाने की कोई इच्छा भी शेष नहीं थी। मगर बाबुल हो या न हो, हर स्त्री का मन बाबुल के अंगना में ही बसता है। वो कभी वहाँ से उखड़ने के बाद भी उखड़ नहीं पाता, बिछड़ने के बाद भी बिछड़ नहीं पाता। जब इस बात की खबर जेलर को लगी, जो डॉक्टर देवेंद्र के बड़े भाई के समान थे और पारिवारिक संबंधों के कारण डॉक्टर देवेंद्र उनका बेहद सम्मान भी करते थे, तब उन्होंने देवेंद्र को समझाना चाहा, मगर देवेंद्र की दलीलों के आगे उन्हें भी हथियार डालने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जेलर को भी कल्याणी मासूम लगती थी, वक्त की सताई हुई सच्चाई और सेवा की प्रतिमूर्ति लगती थी। मगर जब कल्याणी ने डॉक्टर देवेंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने आप को इस योग्य न मानते हुए मना कर दिया, तो जेलर को कल्याणी के अतीत को लेकर मन में उत्कंठा हुई कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जबकि सजा माफ़ी के लिए अच्छे व्यवहार को कारण मानते हुए सरकार तक उसकी अर्जी जेलर ने खुद पहले ही पहुंचा दी थी।
इतनी लंबी जिंदगी आगे बची थी, क्या कल्याणी को इच्छा नहीं थी आज़ादी की? क्या वो नहीं चाहती थी कि उसका भविष्य सुरक्षित और सुंदर हो? इसी पेशोपेश में जेलर कल्याणी से बात करने का फैसला करते हैं और तब कल्याणी उन्हें अपने विषय में बताते बताते विचलित हो जाती है, मगर वादा करके जाती है कि वह लिखकर अपनी कहानी उन्हें ज़रूर बताएगी। क्या किया है उसने, कैसा बीता है उसका जीवन और वह क्यों अपने सुनहरे भविष्य के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती है। जब वो डायरी जेलर को मिलती है तो उसमें कल्याणी के जीवन की परतें उधरी हुई हैं और हर उधरे पन्ने से सिसकियां और उसके जख्म से खून रिस रहा है। एक भोली भाली गांव की लड़की जिसके पिता डाकघर में बड़े बाबू थे, एक बड़ा भाई था जो समाज सेवी था और समाज सेवा के कारण ही एक बार बाढ़ में लोगों को बचाते बचाते उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसके बाद से कल्याणी और उसके पिता एक दूसरे का सहारा रह गए थे। कल्याणी अपने पिता का संबल भी थी और हर खुशी का कारण भी। शांत और खुशहाल जिंदगी थी उनकी, मगर कहते हैं ना कि जिंदगी अगर मखमल हो जाए तो उसे जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी तो ऊबड़ खाबड़ पथरीली राहों पर चलकर ही जिंदगी बनती है, एक मुकम्मल पूरी जिंदगी। एक दिन अचानक एक इनकलाबी को नज़रबंद किया गया है, इसकी खबर गांव में आई। गांव के एकांत हिस्से में उसे नज़रबंद करके रखा गया था। कल्याणी की टीचर दीदी के भाई को भी इनकलाब का चस्का लगा था और वह पुलिस की नज़र से बचता बचाता एक दिन अचानक रात में अपनी बहन से मिलने आता है और कल्याणी इसका साक्ष्य बनती है। चूंकि कल्याणी पर किसी का शक नहीं हो सकता और उसके पिताजी भी तो सरकारी कर्मचारी थे, सो कल्याणी के कंधे पर एक जिम्मेदारी आई है। एक गुप्त सूचना निश्चित रूप से लिखित उसे नज़रबंद कैदी तक पहुंचाना है। विकास बाबू तक यह खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी कल्याणी की होती है। बहुत चतुराई से वह कांटेदार बाड़े के अंदर पहुंच जाती है। बिना एक दूसरे को देखे ही कल्याणी संदेशा पहुंचाने में कामयाब भी होती है, मगर किसी के मन में अपने प्रति आकर्षण भी छोड़ कर आती है। उस संदेश के साथ वह आकर्षण विकास बाबू को खींचकर कल्याणी के पिता के डाकघर तक पहुंचाता है। कल्याणी की मासूमियत और विकास बाबू का रहस्यमयी इनकलाबी व्यक्तित्व, प्रभावशाली बातचीत का लहजा और सबसे आकर्षण उसका ठहाका कल्याणी को बरबस उनका दीवाना बना देती है। विकास बाबू नज़रबंद थे और उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। गांव वाले भी उनसे डरते थे क्योंकि पुलिस का कहर भला कौन बर्दाश्त करे। और इस तरह विकास बाबू के पास डाक बाबू की बेटी कल्याणी से मिलना, उससे बातें करना उनके लिए जिंदगी जीने का एक और मकसद बन गया था। कल्याणी भी अपनी एकरसता से अलग एक तिलस्म में, एक कोमल एहसास में विकास बाबू के साथ बंधती चली जाती है। मगर हर समय छांव हो जिंदगी में तो फिर धूप का मजा ही क्या। इस तरह से कल्याणी की जिंदगी में भी धूप की रोशनी और उसकी तेज आंच पहुंच ही गई। हुआ यूं कि एक देर रात विकास बाबू को तेज बुखार ने जकड़ा हुआ था। ऐसे में वह कल्याणी के पास न जाते तो और कहाँ जाते। मगर यह कहानी उस वक्त की है जब किसी स्त्री के साए के पास से भी गुजरना, वो भी बिना रिश्ते के, गुनाह माना जाता था। ज्वर में तपते हुए विकास बाबू कल्याणी की ममता भरी छांव में आकर नींद की आगोश में चले जाते हैं और तभी पुलिस उन्हें ढूंढती हुई डाक बाबू के घर के दरवाजे पर आ जाती है। कल्याणी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के पीटने की आवाज़, पुलिस के शोर से डाक बाबू की भी नींद खुलती है और तब पुलिस के भद्दे शब्द सुनकर विकास बाबू सामने आते हैं और कह बैठते हैं,
मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत मत करना, मैं नहीं सुनूंगा। इतना कहते ही दरोगा, जो कि एक भला मानस था और डाक बाबू के परिवार से सहानुभूति भी रखता था, उसने तुरंत विकास बाबू को अपने साथ चलने को कहा। विकास बाबू शहर चले गए और जाते हुए कल्याणी के पिता से वादा करके गए कि वह जल्द ही आकर कल्याणी से विवाह कर अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। शुरू के दिन तो कब पंख लगाकर उड़ गए, मगर जब गांव वाले की बोलियां सुनने को मिली और ताने तिरस्कार भरी नज़रों का सामना करना पड़ा, तब चिट्ठियों का दौर शुरू हुआ, मगर विकास बाबू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना ही विकास बाबू कभी लौट कर आए। एक दिन भावातिरेक में पिता के मुख से मरने की बात सुनकर कल्याणी का मन विचलित हो उठा और वह घर बार छोड़कर अनजाने पथ पर विकास बाबू को खोजने के लिए शहर की ओर चल पड़ी। कल्याणी शहर में ब्याहता सहेली के यहाँ पहुंची और वहां भी सहेली के ससुराल वालों ने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया, मगर किसी तरह सहेली की मदद से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे आया की नौकरी मिल गई। कल्याणी का दिन ठीक ठाक बीतने लगा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे विकास बाबू ज़रूर मिलेंगे। उसकी उम्मीद पर भगवान ने पूरी तरह से पानी भी नहीं फेरा था, मगर हाय रे उसकी किस्मत, विकास बाबू मिले भी तो कहाँ। उस महिला मानसिक रोगी के पति के रूप में, जिसकी दिन रात की प्रताड़ना वो सहती आ रही थी और बिना उफ किए उसकी सेवा करती रहती थी, मगर जिस रोज़ वो अपने पिता को अंतिम विदा देकर आई थी, तभी उसकी चीखती आवाज़ उसके कमरे में पहुंची। तो ये क्या देखा उसने, वो अपने आखिरी उम्मीद और सहारे को उस औरत के गले लगे हुए देखा। ये कौन है? नहीं, ये कैसे संभव होगा, ये तो विकास बाबू हैं, इन्हीं के इंतज़ार में तो नहीं। और ये उसका सब्र का बांध टूट पड़ा, और कहते हैं कि जब सब्र आँखों से न बहे तो वह विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लेता है, और वही हुआ। कल्याणी अपने मानसिक दबाव, अपने दुखों का कारण विकास बाबू की पत्नी को मानते हुए उसे हमेशा की नींद सुला देती है, चाय में जहर मिलाकर। वो उस कारण को ही खत्म कर डालती है जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की थी। विकास बाबू ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि उसने ही हत्या की है, उसने विकास बाबू की पत्नी की हत्या की है। वह कोई आत्महत्या नहीं थी वो कोई आत्महत्या। उसने मार डाला था उस औरत को, जिसे यह भी न मालूम था कि विकास बाबू किसी और से प्रेम करते थे, और कल्याणी भी अनजान थी सच से कि विवाह विकास बाबू ने देश हित में एक पुलिस अधिकारी की पुत्री से किया। मगर जब यह सच्चाई कल्याणी को मालूम हुई तो उससे रहा न गया, मगर अब मालूम हुआ यह सत्य जब उसने अपनी रिहाई पर डॉक्टर देवेंद्र की माँ की चिट्ठी के बुलावे पर जाने का जो फैसला किया था, अपनी नई जिंदगी के पथ पर खुशियाँ चुनने का जो मौका मिल रहा था, जिसे उसने जेलर के कहने से स्वीकार तो कर लिया था, मगर मन भारी था उसका। क्यों भारी था, इसका कारण तो शायद कल्याणी को भी नहीं पता था, मगर जिंदगी की खुशी और डॉक्टर देवेंद्र के प्रेम के आगे हार कर कल्याणी चल पड़ी थी अपनी नई जिंदगी की ओर। कहते हैं ना कि एक बार डोर जुड़ जाए तो टूटती नहीं है, लाख छुड़ाओ बंधन मगर छूटता नहीं है। मन का डोर जहाँ बंधा हो, ईश्वर और किस्मत उसी दरवाजे पर ले जाकर बार बार खड़ा कर देती है। मनिहारी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी कल्याणी, और वहीं घाट पर तपेदिक के बीमार विकास बाबू से सामना होता है उसका। विकास बाबू के एक जानने वाले से उसे मालूम होती है सारी कहानी। उसका मन अब उसे एक बार फिर अपने विकास बाबू के चरणों में, उनके हृदय में, उनके जीवन में अपनी जगह बनते हुए देखता है, जिसकी चाह उसने वर्षों पहले की थी, जिसके लिए उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते दुर्घटना का शिकार होकर दुनिया त्याग जाते हैं, जिसके लिए उसका हंसता खुशहाल जीवन जेल के सलाखों के पीछे बीतता है,
जिसके लिए उसने इतने अपमान, इतनी वेदना, इतना अकेलापन झेला था, वह अब सामने खड़ा था और उसे कल्याणी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसका भी कोई इस दुनिया में नहीं था। सिनेमा के दृश्य में डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर और अभिनेत्री नूतन, नायिका कल्याणी अपने हर भाव को दिखा पाने में उत्कृष्ट श्रेणी में नजर आए। उनकी प्रतिभा की पराकाष्ठा थी इस क्लाइमेक्स सीन में, जहां नायिका अपने साजन के पास, उस साजन के पास जो बीमार है, जिसका भविष्य अंधकारमय है, वहां रोशनी बनकर जाना चुनती है, ना कि एक खुशहाल जिंदगी जो उसका इंतज़ार कर रही है डॉक्टर देवेंद्र और उसकी माँ के रूप में। वह जिंदगी के हर सुख को ठुकराती आई थी विकास बाबू के लिए, आज कैसे अपनी इस आदत को छोड़ पाती? दिल से मजबूर, कर्तव्यों से मजबूर, अपने विकास बाबू की तरफ दौड़ पड़ती है। कल्याणी, कल्याणी, महिला जेलर उसे पुकारती रह जाती है, कल्याणी, ओ कल्याणी, मत जा। मगर कल्याणी कैसे सुन सकती है, क्योंकि उसके साजन उसका इंतज़ार जो कर रहे हैं, उसे उसके इस कठिन जीवन का पुरस्कार मिलने वाला है। वो कैसे इस पुरस्कार को ठुकरा सकती है?